हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी इकतीस अगस्त दो हजार बीस का कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट दिज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टूडे आज के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले पहला क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट इनमें से किसने पब्लिश की ऑप्शंस आर ए एनर्जी वॉच ग्रुप बी इंटर इंटरनेशनल सोलर अलायंस सी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी डी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ना दिस इज क्वेश्चन नंबर वन ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट re कौन रिलीज किया क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स जहां आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत है पहला स्टेटमेंट कह रहा है It is a regional multinational organization of Arabic uh, speaking countries on the African and Asian continents. Dusra Statement Carrot's mission is to promote trade and economic growth in the region. Conscious statement sahi here. One only, two only, both here, none. Question number three is Consider the following statements with respect to Lingaraj Temple. Pahla Statement Carrot is built in red s uh, stone and it is a classic example of Kalinga style of architecture. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा इज रिगार्डेड एज स्वयंभू और सेल्फ ओरिजिनेटेड एंड एज शिवा एंड लॉर्ड विष्णु ओके एज बोथ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे लेटमी आंसर्स वन बाय वन पहला जो क्वेश्चन था कि जो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट है कौन निकालता है द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है ठीक है ना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालते कंफ्यूज मत होना अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दोनों ही गलत स्टेटमेंट है केवल दो कॉन्टिनेंट्स नहीं चार कॉन्टिनेट इसके मेंबर हैं और ये या आपको याद रखना चाहिए कि फोर कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनें नॉट जस्ट फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया है ना और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो भी गलत है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं है पूरे जो पूरे जो मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड है उनके वेलफेयर के लिए काम करती है इकोनॉमिक और ऐसा कोई इसका खास एस्पेक्ट नहीं है ठीक है ना लिंगराज टेंपल तीसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने तीन दोनों ही स्टेटमेंट सही है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है उड़ीसा में एंड दूसरा बिल्कुल सही है कि ये इट इज वर्शिप्ड बोथ एज लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु एंड इट इज रिगार्डेड एड स्वयंभू बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है ओ के बारे में बोलूँ तो रिसेंटली पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर थ्रेट टू स्प्लिट ओ उन्होंने थ्रेट दी थी कि दे विल बी स्प्लिटिंग द ओ एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूएन विद द मेम्बरशिप ऑफ फिफ्टी सेवन स्टेट स्प्रेड ओवर फोर कंट्रीज द ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड वही मैंने बताया कि कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है Uh, एंड ये आपको याद रखना है ठीक है ना लिंगराज टेम्पल की बात करें तो, तो उड़ीसा बेसिकली um, है जो कि जिसने की पेरिफेरल डेवलपमेंट ऑफ लिंगराज टेम्पल का प्लान निकाला है एंड इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर

तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है कि कहाँ कहाँ देखो इसके बॉर्डर्स कहाँ कहाँ होते हैं तो एक तो पाकिस्तान के साथ आपको दिख रहा हो अब इंडिया के रिगार्डिंग आपको 106 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ ही मिलता है तो याद रखिएगा हमको इंडिया का याद रखना है तो इंडिया के साथ भी इसका बॉर्डर हम बताएंगे याद रखिएगा वी विल कंसिडर इट्स बॉर्डर विद इंडिया एज वेल ठीक है ना तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत रखेगा क्योंकि इन, uh, जो हमारा पीओके वाला रीजन है उसमें uh, लगभग एक किलोमीटर है जो कि टच करता है है ना सो वी विल कंसिडरिंग दैट ऑल्सो ठीक है तो यहाँ, याद यहाँ पे याद रखेगा आपको तजकिस्तान दिख रहा है यहाँ पे है ना यहाँ पे तजिकिस्तान दिख रहा है ये तजाकिस्तान दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे वखान नेशनल पार्क भी लिखा हुआ वखान नेशनल पार्क ठीक है उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर दिख रहा होगा तुर्कमेनिस्तान के साथ आपको बॉर्डर दिख रहा होगा है ना तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर दिख रहा है यहां हल्का सा चाइना भी टच करता है तो चाइना इंडिया पाकिस्तान तजकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान इसको बॉर्डर को टच करते हैं इधर ईरान आपको दिख रहा होगा ये ईरान वाला बॉर्डर एरिया यहाँ पर टच करता है ठीक है ना तो याद रखेगा ईरान हो गया तजिकिस्तान हो गया तुर्कमेनिस्तान हो गया उज्बेकिस्तान हो गया पाकिस्तान हो गया ये इसको टच करते हैं बीच में याद रखिएगा यहाँ बामियान बुद्धा बहुत ज्यादा फेमस है बामियान बुद्धा तो वो यहाँ पर अफगानिस्तान में थे जिनको अभी तोड़ दिया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट जगह जैसे मज़ार शरीफ मेसी है इंडिया की मजार शरीफ इम्पॉर्टेंट है है ना एंड शाह फौलादी हेरात कुंदूज हो गया ये जगहें जरूर याद ये कुंदूज लिखा है ये कुंदूज मजार शरीफ लिखा दिख रहा होगा हिरात दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट जगह है अगर आपसे पूछ सकता है यहाँ पे ठीक है ना देलाराम जो जरानज दे हाईवे था तो जरानज और देलाराम दोनों ही अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा आते हैं अफगानिस्तान में ही आते हैं जरानज दे याद रखेगा ठीक है ना और कंधार यहाँ पे कंधार आपको दिख रहा होगा ये भी आपका अफगानिस्तान का पार्ट है कंधार भी अफगानिस्तान का पार्ट है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मैप मैंने आपको बताया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप इसको याद रखेगा ठीक है ना आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं ठीक है लेट्स कम टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट फर्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द फ्रंट पेज इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल टॉय हब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल टॉय हब सो ही वाज टॉकिंग अप इनटू द मतलब जो uh, क्या बोलते हैं चाय पे चर्चा करते हैं ना वो चाय पे चर्चा नहीं करते क्या बोलते उसको मन की बात ओके जाओ मन की बात सिंदा so मन की बात रेडियो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट इंडिया कैन बिकम अ टॉय हब एंड द एंटरप्रेनर्स उन्होंने एंटरप्रेनर्स को आवाज लगाई कि द एंटरप्रेनर्स शुड टीम अप Entrepreneurs should team up and they should make computer games. They should make what computer games in India, computer games in India for India. In India, and it is a 7 lakh crore global industry. It's a 7 lakh crore global industry, and that has India has the potential to become a hub for this industry. India has the potential to become. हब फॉर दिस इंडस्ट्री बट वी हैव लिटिल स्पेस इन दिस टॉय इंडस्ट्री वैसे अगर आपने नाइन्थ क्लास के एनसीआर इकोनॉमिक्स की पढ़ी होगी उसमें लिखा था कि हम टॉय के बहुत बड़े वो थे लेकिन जब चाइना आया उसने पांच पांच रुपए एक एक रुपए दो दो रुपए के खिलौने बनाने शुरू किए तो इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री थी लोकल इंडस्ट्री भी थी वो भी पूरी हेम्पर कर दी है ना और वहां पर चाइना के खिलौने आज भी हम जो बच्चे खेलते हैं तो चाइना के खिलौने ही खेलते हैं इंडिया के खिलौने जो है अगर आप ट्रेडिशनल देखो तो छन्नापटना टॉयज ये सब टॉयज थोड़ा महंगे पड़ते हैं लेकिन दे आर द रियल जेम्स ऑफ इंडिया ठीक है ना आगे देखिए तो यहां स्टार्टर स्टार्टअप्स को उन्होंने बोला है मिस्टर मोदी अर्ज देम टू डेवलप कंप्यूटर गेम्स इन इंडिया एंड बेस्ड ऑन इंडिया साइट इन द रिसेंटली कंडक्टेड ऐप इनोवेशन चैलेंज बाय द गवर्नमेंट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐप इनोवेशन चैलेंज भी लिया था ऐप इनोवेशन चैलेंज लिया था एंड uh, उसके बाद उन्होंने कहा है कॉल किया है कि यू ऑल शुड मेक गेम्स इन इंडिया कंप्यूटर गेम्स इन इंडिया आप बनाइए एंड दिस इज द थिंग विच बेसिकली सही ओके एंड दिस वाज़ अ वेरी गुड कॉल एंड ये हो सकता है बेसिकली बिल्कुल हो सकता है ये एंड इफ अगर हमारे ऑन्टरप्रेनर चाहें तो बहुत अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है तो कंप्यूटर गेम्स बनाए से कोई बहुत बुरा जैसे टेंट वेंसेंट एम जैसे मैं खुद जैसे कुछ गेम्स खेलता हूँ तो अब वो गेम्स कई टेंट ने बनाया है फ़ीफ़ा uh, हो गया जैसा आपका आप लोग इफ़ यू नो फीफा आई आई जस्ट प्ले वन सिंगल गेम फ़ीफा मैं सिर्फ एक ही गेम खेलता था बट वो भी मैंने बंद कर दिया चाइना के चक्कर में है ना टेंसेंट चाइना के चक्कर में मैंने वो भी बंद कर दिया सो so, इंडिया को भी कुछ ऐसा फ़ीफा जैसा बनाना चाहिए फुटबॉल ही बना दिया यार वाइचिंग बूटिया ऐसा खेल लेंगे अपन उसमें क्या दिक्कत है सेकेंड क्वेश्चन सेकंड न्यूज इज प्री मैच्योर रिटायरमेंट नॉट अ पेनाल्टी से इज डीओपीटी डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का ये कहना है कि जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट होता है यानी कि जो आपको प्री मैच्योरली रिटायर कर दिया जाता है आपकी पूरी फाइनल एज कंप्लीट में दैट इज नॉट अ पनिशमेंट दैट इज बेसिकली टू अचीव द स्ट्रेंदनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ओके याद रखिएगा अगर आपसे कोई कभी भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा गवर्नमेंट का ये लिख दीजिएगा स्ट्रेंदनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल्स ये एम रहता है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का ठीक है ना क्या एम रहता है द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल्स एंड टू अचीव एफिशियं इकॉनॉमी एंड स्पीड इन द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन ओके एंड टू अचीव एफिशियंसी इकॉनमी एंड स्पीड इन द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन आपको याद रखना है दिस इज समिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब यह जो दिया है बेसिकली फंडामेंटल रूल एफ आर फाइव सिक्सटी वन वन फाइव सिक्सटी वन 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 इसके अंतर्गत ये है एंड रूल फोर्टी एट रूल फोर्टी एट ऑफ द सी सी एस सी सी एस पेंशन रूल्स 1972 सेवनटी टू यहाँ पे वॉल्ट्री रिटायरमेंट यानी कि सॉरी नॉट फोर्ज रिटायरमेंट जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट उसके बारे में बताया जाता है ठीक है ना याद रखने की जरूरत नहीं है पूछना मत कमेंट में सर ये मैं याद रखोगे नहीं कोई जरूरत नहीं बस जान गए आप अच्छा है हल्दी लूजेज इट्स फ्लेवर अब यहाँ पे जो हल्दी की बात कर रहे हो कंधमाल की कंधमाल डिस्ट्रिक्ट की फेमस हल्दी की बात कर रहे हैं विच हैज रिसीव्ड द जीआई टैग एसर तो जीआई टैग इसको मिला ये उड़ीसा की कंधमाल डिस्ट्रिक्ट की है टर्मरिक टर्मरिक है ओके टर्मरिक यानी कि हल्दी एंड कंधमाल की जो ये हल्दी होती है इसको कंधमाल की हल्दी को ऑलरेडी जीआई टैग दिया गया है जीआई टैग दिया जा चुका है तो यहाँ के फार्मर्स ने इसको ग्रो किया उनको ये लगा कि जीआई टैग मिल गया भाई अच्छी बिक्री होगी ये होगा वो का बट हुआ कुछ नहीं वॉट ज़्यादा बंपर हार्वेस्ट हुआ उसका केवल रॉ टर्मरिक ही बिच पाया है अभी तक ठीक है ना कितना बिक पाया है केवल ट्वेंटी परसेंट ऑफ द रॉ टर्मरिक हैज़ सोल्ड सो फार लिविंग द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस विद द फार्मर्स रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस विद विदार्मर्स एट्टी परसेंट ऑफ द रॉ टर्मरिक टर्मरिक हैज़ लेफ्ट याद टर्मरिका एंड बहुत

एडिटोरियल में आते हैं डेवलपमेंट दैट विल पुट दैट विल हार्डली पुट इंडिया अब हुआ क्या कि वर्ल्ड बैंक ने इस बार क्या बोला है? कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकालते हैं उसको अभी सस्पेंड किए करेंगे दे आर सस्पेंडिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्यों सस्पेंड किया जा रहा है इसका रीजन ये है कि उनको ये लग रहा है कि जो डेटा है उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है डेटा में कुछ गड़बड़ी आ रही है प्लस मेथडोलॉजी जो खुद वर्ल्ड बैंक यूज़ कर रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी है ठीक है ना सो फॉर मेकिंग इट मोर ट्रांसपेरेंट मेकिंग इट मोर इफेक्टिव दे आर सस्पेंडिंग इट एंड दे विल रीलुक एट द डेट ऑफ द लास्ट फाइव ईयर्स वो पिछले पाँच साल का डेटा रीलुक करने वाले हैं

हंड्रेड मिलियन एडिशनल जॉब्स हम क्रिएट करना चाहते थे ठीक है ना इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बाय 2022 है ना फिर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग बढ़ा भी ली वंस फोर्टी सेकंड पोजिशन में थे हम 2014 में सिक्सटी थर्ड पोजिशन में आ गए हम 2019 में सिक्सटी थर्ड पोजिशन में आगे कब 2019 में हम में थर्ड पोजिशन पे आ गए ठीक है ना सो दिस हैज बीन द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट जिसपे गवर्मेंट बोलती है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के अंतर्गत ये सब चीजें हुई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो हमारी पड़ी अब वर्ल्ड बैंक का जो डिसीजन है दैट इज दे आर ऑडिटिंग दैट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अब वो ऑडिट कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का और द लास्ट लास्ट फाइव ईयर्स एंड दिस मे कॉज डिसकम्फर्ट टू द इंडियंस ऑल्सो क्यों क्योंकि तो जो दो केस यहाँ पे लिए गए हैं इंडिया का केस और चिली का केस लिया गया है इंडिया का केस अगर आप देखो तो इंडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई 41, 42 से डायरेक्टली 63 पर आ गए चार पाँच साल के अंतर्गत दूसरा वहीं पे चिली का अगर हम केस देखें तो चिली की रैंकिंग अचानक से बहुत ज़्यादा घट गई थर्टी फोर्थ थी दो में तो सिक्सटी सेवन्थ पर आ गए जबकि अगर आपने आप उनकी माने तो कोई ऐसा खास पैरामीटर या खास ज्यादा वहां के जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल खास अंतर आया नहीं था इतना ज्यादा डिग्रेड क्यों हो गई अचानक से रैंकिंग जबकि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप भी नहीं लिया तो ये जो दोनों कंट्रास्टिंग केस हैं चिल, चिली एंड इंडिया के ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मेथोडोलॉजी में डिफिकल्ट डिफर, डिफरेंस है वही चीज वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि इंडिया की जो रैंकिंग बढ़ी है उसका रीजन है कि इंडिया ने जो अपनी मेथोडोलॉजी चेंज की वो एक बहुत बड़ा रीजन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसकी रैंकिंग को बढ़ने का तो यही चीजें सारी रिव्यू करने वाले हैं लेकिन अब ऑथर का ये कहना है कि क्या ये जो रैंकिंग आती है इसका कोई खास फर्क पड़ता है तो ऑथर ने कहा कि देखो हमारी रैंकिंग बढ़ गई वन से सिक्सटी में आ गए बट स्टिल अवर शेयर इन द मैनुफैक्चरिंग सेक्टर हैजैगनेटेड एट अराउंड सेवनटीन परसेंट ऑफ द जीडीपी जितना पहले था दूसरी चीज हम 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना चाहते थे और जॉब्स हमारी और ज्यादा 3.5 मिलियन जॉब्स और लॉस्ट हो गई हमारी ठीक है ना एनुअल जीडीपी जो ग्रोथ रेट होना चाहिए था वो हमारा डबल डिजिट से गिर करके कितना आ गया आप अब देख रहे हो जीरो वन टू वन टू परसेंट पर आ गया जीरो परसेंट पर आ गया ठीक है ना देन इसके अलावा अगर आप देखो तो जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन है शॉर्ट घटी नहीं है बढ़ गई और ज्यादा ठीक है ना जबकि अभी अब जाकर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव आए लेकिन अभी तक अगर हम देखें एट प्रेजेंट ऑल्सो तो हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी वो चाइना पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है ठीक है नाउ इट हैज बीन द सेम विथ रशिया ऑल्सो वहां पर भी इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा जंप कर गया वन ट्वेंटी था दो हजार बारह में और ट्वेंटी पर आ गया ठीक है ना सिक्स ईयर्स लेटर ट्वेंटी पर आ गया लेकिन रशिया को भी देखे तो वो अभी भी चाइना इन सब बड़ी बड़ी कंट्री से पीछे चल रही है यूएसए से और कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं आया उनकी रैंक तो यहां पे ऑथर ने बताया कि बहुत सारे फ्लॉज हैं जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी चलते हैं बहुत सारे फ्लॉज हैं मेथडोलॉजी का फ्लॉज है दूसरी चीज वो डी ज्योर मतलब कि डी ज्योर उन्होंने टर्म यूज़ किया है मतलब कि डी जी यानी कि स्टेट्यूट बेस्ड वो डेटा कलेक्ट करते हैं दे कलेक्ट द डेटा डी जियोर मतलब वो इस्टेट्यूट बेस्ड डेटा कलेक्ट कर ना कि डी फैक्टो ना कि रियलिटी डेटा वो नहीं कलेक्ट करते हैं डीजीओ डेटा कलेक्ट करते हैं द डेटा फॉर कंप्यूटिंग द इंडेक्स आर ऑफटेन फ्रॉम लार्जर एंटरप्राइजेज एन टू सिटीज अब जो डेटा भी यहाँ भी कलेक्ट होता है वो बड़े बड़े सिटीज़ का जैसे दिल्ली और मुंबई का डेटा बस कलेक्ट करते हैं इंडिया में केवल दो सिटीज़ का डेटा कलेक्ट किया जाता है और वो डेटा भी वो लॉयर्स अकाउंटेंट्स एंड ब्रोकर से लेते हैं नॉट फ्रॉम द आंटरप्रेनर दम सेल्फ ठीक है ना तो यहाँ पर देखो कि यही वाली बात तो है बेसिकली कि आप पूरे इंडिया की रैंकिंग दे रहे हो लेकिन आप केवल दो सिटीज़ को कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ से कहीं कहाँ से कलेक्ट रैंकिंग आ जाएगी दूसरी चीज़ वर्ल्ड बैंक जो है इंटरनली भी जो ये मतलब ये जो रैंकिंग है ये अपने आप में एंटी लेबर है एंटी लेबर क्यों है क्योंकि आप देखो बहुत सारी कंट्रीज ईज ऑफ बिजनेस के टारगेट्स को पूरा करने के लिए अपने यहाँ कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं कॉम्प्रोमाइजेस कैसे जैसे कि इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट एबॉलिस्ड महाराष्ट्र का गवर्नमेंट है इट द एनुअल मैंडेटरी इंस्पेक्शन ऑफ द स्टीम बॉयर्स का इन्होंने इंस्पेक्शन करना बंद कर दिया अंडर द दर्स एक्ट ऑफ टी एंड द इंडियन बॉयल रेगुलेशन इन इट्स प्लेस

ये रैंकिंग तरीके से एंटी लेबर भी है एंटी सेफ्टी भी एंटी सिक्योरिटी भी है ठीक है ना एंड द टाइम इज देयर टू री थिंक अबाउट दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एंड इसके दोबारा से इसकी मेथोडोलॉजी इसके जो डेटा कलेक्शन होता है इसका क्या यूज uh, होना चाहिए क्या इंपैक्ट होना चाहिए ये सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है सो दैट इज द थिंग विच इज देयर ओके इसको याद रखेगा डिस्पाइट द मैसेजिंग स्टिल एडवांटेज चाइना जो आर्टिकल है लिखा गया है यूएसए uh, ने अभी वाशिंगटन ने कितने अपने एलआई से सबसे कह दिया कि भाई अब चाइना से अपने uh, जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हैं उसको uh, वापस खींच लो वहां से आ जाओ लेकिन अब हो क्या रहा है लेकिन बहुत कम कंपनीज है जो कि इंटरेस्टेड है इन डूइंग दैट ओके डिस्पाइट दिस मीडिया रिपोर्ट डिस्पाइट दिस मैसेंग फ्रॉम द वॉशिंगटन ऑनली फ्यू कंपनीज प्रिडिक्टेड जितना प्रिडिक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा बहुत कम कंपनीज हैं जो कि चाइना से अपने बेस को शिफ्ट करना चाहती हैं ठीक है ना चाइना प्रोवाइड्स दम अ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें चाइना है जो कि प्रोवाइड करता है एज अ कंट्री देयर फोर दे डोंट वॉन्ट टू कम फ्रॉम चाइना वहां चाइना से शिफ्ट नहीं करना चाहते दे डोंट वॉन्ट टू लूज ठीक है न अब कई लोग इंडिया को बोलते हैं इंडिया कैन बी एन अल्टरनेटिव टू चाइना इंडिया क्यों अल्टरनेटिव हो सकता है चाइना का फर्स्ट थिंग इज दैट जो डेमोक्रेटिक जो सेटलमेंट है इंडिया का दैट इज वेरी अट्रैक्टिव इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सेटलमेंट है डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी है और चाइना में आप सबको पता है कि डेमोक्रेसी के नाम पर क्या मिलता है है ना तो ये एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है टू एवरी वन, जो इंडिया का डेमोक्रेटिक फरवर है वो बहुत ज्यादा करता है दूसरी चीज इंडिया में जो ओपन एंड वाइब्रेंट प्रेस है ओपन एंड वाइब्रेंट प्रेस दिस शुड बी इंडिया का जो प्रेस है दैट शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमर्स तो इंडिया का जो ओपन एंड वाइब्रेंट प्रेस है ओके सो दैट इज दैट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड दीज आर दर एडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस दीज आर द एडवाटेजेज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नेस दैट प्रोवाइड अ फेवरेबल कंट्रास्ट टू चाइना ओके बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंट्रास्ट चाइना को प्रोवाइड करता है आई विल नॉट से मच वर्ड्स ऑन दीज बिकॉज आई माई सेल्फ डू नॉट फील दैट इंडियाज प्रेस इज ओपन एंड इंडियाज प्रेस इज वेरी वाइब्रेंट एंड आई डोंट फील दैट ओके India might appear more like China to potential foreign investors than New Delhi might think. Okay? Yet India might appear more like China to potential foreign. तो अब देखो ये सारी चीजें तो हैं लेकिन फिर भी चाइना के पास बहुत सारे और एडवांटेजेस हैं जहाँ पे इंडिया कॉम्पिटेटिव नहीं पड़ता है जैसे मान लो लॉजिस्टिक्स हो गया ये कुछ ऐसी चीजें होंगी जहाँ पे इंडिया उनसे कंपीट नहीं कर सकता ठीक है ना वेन पॉलिसी सचैस टैक्स ऑन फॉरन ई कॉम जैसे इंडिया ने क्या किया है टैक्सेज ऑन ई कॉमर्स कंपनीज एजुकेशन प्रोवाइडर्स इनमें इन्होंने अलग से टैक्सेस लगा दिए जो आ, वहां से आने वाले एजुकेशनल्स थे जो वहां से आने वाले ई e कॉमर्स की कंपनी इन सब के ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया अब आप जब इस तरह के टैक्सेस लगाओगे तो फिर वहां से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा हाउ विल द इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम दीज कंट्रीज तो यही वाली इश्यूज हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं चाइना क्यों स्कोर करता है बिकॉज चाइना कंटिन्यूज टू ऑफर इन्वेस्टर्स मेनी एडवांटेजेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल लेवल दैट इनो दैट अलाउज इनोवेशन एंड दे मूव क्विकली फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट वो प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट में बहुत जल्दी क्विकली मूव कर जाते हैं ठीक है ना ये आपको याद रखना है देन गवर्नमेंट uh, भी बहुत सारा सेक्टर्स का मतलब इंडिया में भी अब बहुत सारी चीजें इंप्रेसिवली स्टेप अप की जा रही है जैसे कि हम रोड uh, ब्लॉक जो थे वो हटा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में है ना एंड वी वॉन्ट टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इंडिया आउटरीच इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं बट और ज्यादा करने की जरूरत है और ज्यादा करने की जरूरत है ठीक है ना याद रखिएगा और ज्यादा करने की जरूरत है दिस वॉज दिस इज वॉट दी ऑथर सेज तो फाइनली वही है कि अ पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट इज ट्रांसपेरेंट वॉट वी नीड इज दैट वी नीड अ पॉलिसी फ्रेमर्क दैट इज ट्रांसपेरेंट दैट That is predictable and that provide increased consultation with existing potential foreign company stakeholders. एक ऐसा framework चाहिए जो कि transparent हो प्रिडिक्टेबल हो और जो कि कंसल्टेशन uh, को बढ़ाए जो पोटेंशियल uh, इन्वेस्टर्स हैं। तो ऐसी पॉलिसीज रहेंगी दे डिटरमाइन India's foreign इन्वेस्टमेंट आउटलुक ये डिटरमाइन करेंगे कि इंडिया का foreign इन्वेस्टमेंट आउटलुक कैसा होगा कितना हमको इन्वेस्टमेंट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स इन द टॉय सिटी ऑफ छन्ना पटना तो छन्ना पटना की जो सिटी है जहां पे छन्ना पटना टॉयज मिलते है, और हैं एंड याद रखेगा छन्नापटना यानी कि रामनगरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका छन्ना पटना टॉयज हैं वो कर्नाटका के जी आई टैग दे देसो द जी आई टैग एंड ये बहुत ही प्यारे टॉयज होते हैं बहुत प्यारे मतलब मैंने अपने परिवार में खुद अपने जो मेरे भांजे हैं उनको उनके लिए मैंने ये खिलौने लाए थे

अमेजन पे भी मिलने लगे हैं अब आजकल तो अमेजोन और इन ई कॉमर्स साइट्स में मिलने रहे हैं तो छन्नापटना टॉयज को आप जरूर लाइए अपने घर में रखिए और अपने बच्चों को बताइए कि क्या होता है इंडियन फरवर उनको ये चीज पहले से सिखाने की कोशिश करिए तो बेसिकली याद रखिएगा रामनगरम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका छन्नापटना टॉयज याद रखेगा जी टैग दिया जा चुका है इसको एंड ये सारी चीज़ याद रखेगा लेकिन अभी भी बहुत सारी यूनिट्स जो हाँ बन दो सौ यूनिट्स है जिसमें केवल पच्चीस बेसिकली आउट ऑफ नियरली टू हंड्रेड टू थर्टी आर फंक्शनिंग ऑन अ नॉमिनल बेसिसके पच्चीस से तीस ही काम कर पा रही हैं, बाकी सारी अभी बंद होने के कारण पे आ गई ठीक है ना इस तरीके के ये सॉरी इस तरीके के टॉयस थोड़ा दिखते हैं ठीक है ना तो आप भी खरीद सकते हैं इसका कोई ऐसी बात नहीं है राम माधव कॉल्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन आरसीपी आपार सबको पता है कि आरसीपीने की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप लेट मी ओपन द नोट्स मैंने लिखी हुई है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेसिकली एक मेगा रीजनल इकोनॉमिक एग्रीमेंट है एंड ये निगोशिएट हुआ था 2012 में बिटवीन आसियान एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेंबर पार्टनर्स आसियान और उनके एफ टी ए पार्टनर्स के आसियान मेंबर्स कौन कौन से इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड ब्रुनई वियतनाम लाओस म्यांमार कंबोडिया उनके एफ टी ए पार्टनर्स कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया चाइना जापान न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया इंडिया भी कभी लिखा होता था यहाँ पे लेकिन अब इंडिया नहीं लिखा है इंडिया हट गया वहाँ से इसका गोल क्या है टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टीपीपी का एक तरीके से कहना चाहिए अल्टरनेटिव की तरह आया था ये ठीक है ना एंड याद रखेगा इसको ठीक है ना इसकी के यहाँ पे इंडिया भी है लेकिन इसको हटा दीजिएगा अब ठीक है ये मैप में इस, इसको हाइड कर दीजिएगा इंडिया वाले पोर्शन को ऐसा कर देते चलो ना? तो आपको दिख रहा होगा चाइना साउथ कोरिया जापान दिख रहा है ऊपर मैप में नीचे इधर म्यांमार थाईलैंड दिख रहा है वियतनाम लाओस दिख रहा होगा फिलीपींस दिख रहा होगा कंबोडिया ब्रुनई दिख रहा होगा मलेशिया सिंगापुर दिख रहा होगा इंडोनेशिया दिख रहा होगा न्यूजीलैंड दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा ठीक है ना तो ये इसके मेंबर्स हैं बेसिकली जो आर के मेंबर्स हैं इंडिया ने इसमें आने से मना कर दिया ठीक है ना इंडिया ने मना कर दिया आने से ये आपको याद रखना है राम माधव वही बोल रहे थे कि आपको सोचना चाहिए ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाने की जरूरत है ऐसे आप हर चीज से भाग नहीं सकते हर चीज़ को आप मना नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करते तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट की ठीक है आगे मूव करते हैं और कोई न्यूज़ है क्या अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट तो अब्दुल घनी एक काउंसिल बनाई है फॉर द नेशनल रिकंसिलियेशन हीउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलियेशन एंड ये काउंसिल जो है फाइनल कॉल देगी ऑन वेदर द गवर्नमेंट विल साइन अ पीस डील विद तालिबान आफ्टर वॉट इज एक्सपेक्टेड टू बी मतलब कि ये पीस डील साइन करेगी नहीं करेगी तालिबान के साथ तो ये चीज बेसिकली अब ये काउंसिल डिटरमाइन करेगी ठीक है ना दिस काउंसिल विल डिटरमाइन दैट ओके नेशनल रिकन्सिलेशन काउंसिल ठीक है सो दैट विल बी इट सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप लाइक आरोडियो प्लीज डू लाइक शैंड्राइब कीप लविंग अस कीप शेरिंग अस थैंक